दूषित सामग्री से बनी चाट बेचने के आरोप के साथ खाद्य विभाग ने सुमित चाट भंडार पर जाकर सैंपल लिए और जांच को लेबोरेटरी भेजा गया। कल दूषित सामग्री से निर्मित चाट की शिकायत पर जिला जेल की दीवार से लगाकर चाट सेंटर पर लगने वाली भीड़ में संदिग्धता पर जेल अधीक्षक ने चाट सेंटर को जेल सीमा से दूर हटाने के निर्देश दिए थे। सोमवार शाम सुमित चाट का संचालन जेल से कुछ दूर और पुनः सामग्री के उपयोग पर जिला खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर द्वारा मौके से विभिन्न सैंपल लेकर जांच के लिए लेबोरेटरी भेजे, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान उस समय नजारा देखने लायक था जब अमानक खाद्य सामग्री की जांच सैंपल के साथ साथ चाट विक्रेता की ग्राहकी भी बदस्तूर जारी थी। गौरतलब है कि जिला चिकित्सालय में भी बदलते मौसम के साथ दूषित सामग्री से निर्मित खाद्य पदार्थ के सेवन के संक्रमित मरीज आम दिनों की अपेक्षा अधिक पहुंच रहे हैं। यहाँ गौरतलब ये भी है कि पानी की टिक्की पिलाने वालों का रजिस्ट्रेशन नहीं है, पुलिस के पास अन्य ठेले वालों का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में किसी भी ठेले से चाट खाने के बाद लोग बीमार हो जाएं तो बेचने वाले का पता ही नहीं लग सकता। वहीं वरिष्ठ अधिकारी की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। सैंपल की जाँच के बाद रिपोर्ट अनुसार आगे की कार्रवाई किए जाने की बात फूड इंस्पेक्टर SS खत्री द्वारा कही गई। आज आपके द्वारा कार्रवाई की जा रही है राजगढ़ में, किस आधार पर कार्रवाई की जा रही है, क्या है पूरा मामला? इस पर राजगढ़ जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी सूरज पावक जी के द्वारा मुझे फ़ोन पर अभी सूचना दी गई कि यहाँ पर इनकी शिकायत मिल रही ठेले की, इसलिए जाकर वहाँ पर कार्रवाई के लिए बुला गए। किस आधार पर कार्रवाई की जा रही है सर, क्या है? क्या इनकी मिलावट की संभावना है इनके यहाँ पर जी? इस चक्कर में आप स्वयं आए हैं या किसी की सूचना के आधार पर? पावक जी की सूचना के आधार पर। क्या पाया गया यहाँ पर? यहाँ पर इनका जो पानी है जी, ये चाट की चटनी और छोले टिक्के का पानी है जी, जो यहाँ रखा पाया गया है उसमें उसके दोनों के हम सैंपल लिए जा रहे हैं, वो जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद में इस पर आगे की कार्रवाई। राजगढ़ से नाजनीन अल्ताफ की रिपोर्ट।